जो हमने तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल नेटवर्क्स डिस्कस की उसमें से वन और जो हिस्टोरिकली अगर देखें तो टेलीफोन जो था अब वो मोबाइल फ़ोन की शक्ल में आ गया स्मार्टफ़ोन आ गए और कई तरह के आपके पास फ़ोन आ गए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दिस इज़ वैलिड टुडे एज वेल अगर आज आग से मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद बट आई थिंक इट्स अबाउट साठ सत्ताईस तो यस मे बी हंड्रेड ईयर्स पुरानी ये टेक्नोलॉजी है फोन की बट इट्स स्टिल वेलड एंड एप्लीकेबल एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉग सोशल नेटवर्क इसमें हमारे पास जो डिफरेंट जैसे मैंने बताया कि एक तो लैंडलाइन है और दूसरा आपके ये जो है मोबाइल फोन हैं जो जो जी एस एम या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आउट ऑफ अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन लेकिन इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो फ़ोन है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो आपका लैंडलाइन है ना आज के ज़माने में इन टूडेज़ वर्ल्ड इट इज़ नॉट जस्ट टेलीफोन आपका इंटरनेट भी आपको इसके साथ इंटीग्रेटेड है और आपका जो स्पेशली टीवी ये तीन चीज़ों का पैकेज जो है ना मोस्टली आजकल के ज़माने में अवेलेबल है और ये ऑलमोस्ट इन ऑल लोकेलिटीज़ क्योंकि जितने बड़े आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये जो इनको कहते हैं एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं एक होते हैं टेलीकॉम कम्युनिकेशन के सर्विस प्रोवाइडर्स तो जितने टेलीकॉम के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आईपीटीवी इंटरनेट और लैंडलाइन ये तीनों चीज़ें मोस्टली वो प्रोवाइड करते हैं ऑफ़कोर्स मोबाइल फ़ोन एक थोड़ा सा सेपरेट है इससे बट दैट इज़ दैट इज़ बट दे ऑफ़र तो ये अच्छा फिर उसके बाद जो उसमें यूजर्ज इसका क्या है कि वो फ़ोन कॉल करते हैं और मोबाइल मैसेजिंग अब इसके अंदर जो मोबाइल मैसेजिंग है वो दैट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट मैसेज पहले आपके पास होते थे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज फिर उसके बाद आपके पास आगे मल्टी मीडिया अब आप उसमें टेक्स्ट में अपना मैसेज शेयर करते हैं साथ वीडियो शेयर करते हैं अपने सेंटीमेंट शेयर करते हैं तो वो जो दैट इज़ टोटली चेंज आप उसको वन टू वन जस्ट यूजिंग योर टेलीकॉम जो ऑपरेटर है उसकी सर्विस को यूज़ करते वो भी करते हैं लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब जितना सोशल मीडिया है वो वैन एस सोशल मीडिया इट मीन सोशल मीडिया नेटवर्क्स वो आपके स्मार्टफोन पे अवेलेबल है इच मीन्स के आपका जो मोबाइल फ़ोन है दैट इज़ योर मेन टूल जिसको यूज़ करते हुए आप जितने भी आपके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं राइट इफ़ यू कैन एक्सेस इंटरनेट इसका मतलब कि आप अपनी ईमेल भी एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे और फिर उसके बाद जितने आपके डिफरेंट जो कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं ये फेसबुक वगैरह वो भी आप उस पर जो हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीफोन इज़ स्टिल जैसे मैंने शेयर किया आपसे कि अगर आज से ये साठ सत्तर साल पहले जितना वैलिड था ये एप्लीकेबल था मे भी उस ज़माने में ये एक ही था जो कि डिस्टेंस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टीवी वगैरह से भी पहले या शायद रेडियो और ये एक ही ज़माने की चीज़ें होंगी प्लीज़ डू रिसर्च एंड फाइंड आउट लेकिन इट इज़ वैलिड इवन आफ्टर सेवन और एट और टेन डेकेट्स तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अच्छा अब इसके अंदर जो जैसे हमने शुरू में भी ये चीज़ डिस्कस की कि वो जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं वो इंडिविजुअल बिजनेस ग्रुप ऑफ बिज़नेस वो कुछ भी हो सकता है तो टेलीफोन के केस में ख़ास तौर तो पर अगर हम देखें तो लैंडलाइन की अगर जब मैंने बात की थी जो आपकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है जो और जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे ये दिस इज़ स्टिल अ मस्ट हैव कि घर में एक लैंडलाइन लाइन लाजमी है हर जो आपके जितने बिज़नेस हैं वट एवर इज़ देयर साइज़ एक स्मॉल बिजनेस है या एक बड़ा बिजनेस है दे आर स्टिल यूजिंग लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन तो ऑबियसली सब पास है तो उससे फिर जो डिफरेंट जो आप डाटा जनरेट करते हैं और उससे जो ये जो हम क्योंकि इसमें हमारे दो जो है ना हमारे ऑब्जेक्टिव हैं एक हमने उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है कि जो दो बेसिक यूनिट्स हैं आपके किसी सोशल नेटवर्क के अंदर वो किस तरह से कनेक्टेड हैं फिर उसके या उससे पहला स्टेप ये कि वो कौन है जो दो एंटिटीज़ हैं या दो नोट हैं वो हैं कौन फिर उसके बाद वो कनेक्टेड किस तरह से है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं किस मीडिया से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड देन वी कीप ऑन डिगिंग एंड फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर अबाउ यू नो ये जितना भी ये लोग काम अपना करते हैं फिर इसके जो एडवाटेज़ डेफिनेटली आप सबको पता है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक चीज़ जो है दैट इज़ अ फंडामेंटल चेंज कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है इस वक्त वो आपका कैमरा भी वो है आपका टी वी भी वो है आपकी वॉच भी वो है तो यू कैन इमेजिन कैलकुलेटर यू नो इतनी चीज़ें इतने सारे गैजट्स या जो टूल्स हम यूज़ करते थे इवन के ये अब आपको ये भी बताता है कि आप कितने स्टेप आपने चले हैं एक दिन में इवन टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर की इस तरह की भी इनके अंदर जो ऐप्स आ गई हैं वो जो कैलकुलेट करके आपको बता सकती हैं तो जो फ़ोन है ना आपका एक जो स्मार्टफोन है इट हैज़ रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा आप वॉच की आपको ज़रूरत नहीं है कैमरे की ज़रूरत नहीं है रेडियो की जरूरत नहीं है एक सेपरेट टीवी की ज़रूरत नहीं है तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा एक जो टेलीफोन है बेशक वो मोबाइल है और इवन जो लैंडलाइन के फ़ोन है उनके अंदर भी वो आपको डिस्प्ले मिलते हैं कि वेयर यू कैन सी द अदर पर्सन एज़ वेल या आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी कर सकते हैं जिसके अंदर जो डिफरेंट आपकी मीटिंग्स वगैरह स्पेशली ऑफिशियल होती हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं वो हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है बट यूजिंग टेलीफोन आप उनको भी यूज़ करते हैं यूजिंग इंटरनेट आप उनको भी यूज़ करते हैं जो कि आपके ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो सोलूशनस हैं वो भी आपके इसी टेलीफोन की लाइन पे भी काम करते हैं और इंटरनेट पे भी काम करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिए वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड प्रैक्टिकल